हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू शोनॉल बैंक यूट्यूब चैनल स्वागत है आपका एक बार फिर से शोनॉलज बैंक की यूट्यूब चैनल पर आज हम लोग इस आ, सेशन में डिस्कस करने वाले हैं फ़ा का जो कोर्ट केस चल रहा है उसका आज का अपडेट क्या रहा यानी कि आज फोर्टीनथ मार्च है ठीक है कल हमने देखा था अपडेट रिगार्डिंग कैट ठीक है श्रीनगर और जम्मू दो जगह पे ये रजिस्टर्ड है कल की हियरिंग आ चुकी थी श्रीनगर की वहाँ पे उन्होंने हियरिंग दे दी थी बट रिज़ल्ट उन्होंने नहीं बताया था कि भाई साहब आगे हम लोगों ने क्या उसकी आर्गूमेंट्स क्या वगैरह उन्होंने पेश करी हैं क्योंकि वो वेट कर रहे थे जम्मू का ठीक है तो श्रीनगर का हमने कल क्या देखा था सर उसका यहाँ ऑनलाइन तो अभी तक पेंडिंग दिखा रहा था बट यहाँ पर जो हेयरिंग हो चुकी है ठीक है वो बोल रहे थे कि जम्मू वाली जब हेयरिंग आएगी उसके बाद ही हम अपना रिजल्ट साथ में ही सामने लाएंगे आज जम्मू का अभी मैं वेबसाइट चेक करा था तो जम्मू की वाले लिंक से ऑफिशियल लिंक से मैंने ये डाउनलोड करा है तो वहाँ पे ये अभी भी पेंडिंग दिखा रहा है वहाँ पे हियरिंग नहीं हुई है इसको नेक्स्ट डेट दे दी गई है ठीक है नेक्स्ट लिस्टेड किया है इस केस को इन्होंने कब 21 मार्च को ठीक है तो ये जो केस है अब 21 मार्च तक चलेगा ठीक है इसका पेटिशनर कौन था दैट इज अरुण गुप्ता जी ठीक है तो ये भी किसके खिलाफ है सेम एज फाइनेंस डिपार्टमेंट ऑफ यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर ठीक है तो ये था हमारा कोर्ट का कोर्ट के रिगार्डिंग का अपडेट तो ये जैसे कि आज प्रोटेस्ट हुआ है पीसफुल सत्याग्रह रहा जम्मू में भी और श्रीनगर में भी फिर भी सरकार के कानों तक आवाज़ नहीं पहुंच रही है बहरे हो गए हैं सरकार ठीक है तो अब ये तो ज़िद भी अड़े हैं पेपर लेके ही मानेंगे ठीक है तो अब एग्ज़ाम दे दो तैयारी अच्छी है तो भी अगर तैयारी नहीं अच्छी तो भी एग्ज़ाम में बैठना है आपने क्यों अगर आप एग्ज़ाम में नहीं बैठोगे और इन्होंने एग्ज़ाम ले लिया तो आपकी सिलेक्शन के हंड्रेड परसेंट कि नहीं होगी ठीक है एटलीस्ट आप जब बैठोगे, ठीक मान लो आप एक, एक मतलब ठीक है? है आप पंद्रह सौ वाले बच्चे में हो पंद्रह सौ पच्चीस कैटेगरी में हो जिन्होंने एग्जाम नहीं दिया बाइकआउट कर दिया बट यहां पर जो पांच सौ बच्चा गया है वो उनकी सिलेक्शन की ज़्यादा चांसेस हो जाएंगे आपके कम हो जाएंगे अकॉर्डिंग टू मी एग्जाम तो ये लेंगे बट दोबारा से ये एग्ज़ाम फिर से कैंसिल हो जाएंगे तो जे के एस एस बी के पीछे पढ़ने से अच्छा है कल मैंने आपको एक एस एस सी की पोस्ट बताई थी वो एग्ज़ाम भर लीजिएगा आज मैं आपके लिए लाया हूँ वाई एल एल वाई आई एल की अप्रेंटिसिप रिक्रूटमेंट है ये जो पंद्रह साल से चौबीस चौबीस साल एज ग्रुप वालों के लिए है ये तो इसके लिए भी अप्लाई जरूर करें एटलीस्ट आपको एक्सपीरियंस आएगा ये पोस्ट कम नहीं है पाँच हज़ार तीन सौ पचानवे पोस्ट हैं तो ये में आ, ये देख लो आप लोग आपकी जो वैकेंसी डिटेल है एक तो नॉन आईटीआई कैटेगरी में है अठारह सौ एटी सेवन ठीक है और सेकंड वाली है एक्स आईटीआई या आईटीआई कैटेगरी ठीक है ये नॉन आईटीआई या फिर ये हो गया एक्सक्लूसिव आईटीआई जो है आईटीआई वाला है तो उनके लिए भी हैं पैंतीस सौ आठ पोस्ट तो इन पोस्ट के लिए ज़रूर अप्लाई करिएगा तो अपनी तैयारी को बूस्ट करने के लिए हमारे चैनल में आप एक बार विज़िट करके देख सकते हो यहाँ पे कैटे प्ले लिस्ट वाइज मैंने सभी वो पढ़ा रखे हैं सभी टॉपिक आपके चाहे वी एल डब्ल्यू के हों चाहे फा के हों चाहे एस एस सी का कोई एग्ज़ाम उठा लो कोई भी ऑल ओवर इंडिया लेवल के एग्ज़ाम उठा लो यहाँ पे आपको सभी के सभी मिल जाएंगे तो अब रही बात एग्ज़ाम की तो एग्ज़ाम तो ये अब कल कल पर हमारा है मैक्सिमम चांस कल के हैं कल पंद्रह है तो ये हमारी जो सुप्रीम कोर्ट में केस फाइल होने जा रहा है वैसे तो हो गया है बट आर्गूमेंट्स कल पेश करेंगे ठीक है सत्या सबरवाल जी और अपना सुब्रमण्यम स्वामी जी की गाइडेंस के अंडर अंडर तो देखो अब क्या होता है कल कल का पता चलेगा कि भाई साहब अब ये केस किस तरफ रुख ले रहा है तो बाकी जो बच्चे एग्ज़ाम दे रहे हैं उनको मेरी तरफ़ से बेस्ट ऑफ लक मैं तो यही सबको बोलूँगा यही मेरी सबसे गुजारिश है कि बाइकआट नहीं करना अगर एग्ज़ाम हो रहा है तो एग्ज़ाम दीजिए ठीक है अच्छे से पढ़ के जाइए और एग्ज़ाम दीजिए तो ये था आज का छोटा सा सेशन आज की जम्मू की अपडेट आ गई थी कैट की तो मैंने निश्चा आप तक सूचना पहुँचा दी जाए तो अब जो भी लेटेस्ट अपडेट आएगी वो आप तक मैं पहुँचा दूंगा टिल देन गॉड ब्लेस यू पढ़ते रहो कीप लर्निंग कीप शेयरिंग